ट्रेन नंबर 02801 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस विच रन फ्रॉम पुरी टू नई दिल्ली, जो कि पुरी चलती रात 9:45 में डेली और 30 घंटे बाद लगभग 1860 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद नई दिल्ली पहुंचती अगले सुबह 4 बजे भोर में। जर्नी होने वाली इन सेकेंड सिटिंग D123। सो वेलकम टू दिस ट्रेन जर्नी ऑफ पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ऑन योर रन ऑन ट्रैक। इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया था 1993 में, जिसे ईस्ट कोस्ट जोन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जनरल कोच का कंडीशन देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन है, और सबसे बड़ी बात सारे सीटों को सैनिटाइज किया गया है। जनरल वाले कोच का एक खासियत है, नीचे वाले सीटों पर तो रिजर्वेशन होता है लेकिन ऊपर वाले पे नहीं, इसलिए ऊपर वाला हुआ मेरा सोने के लिए, क्योंकि ये किसी का नहीं है। ट्रेन पूरी रेलवे स्टेशन से ऑन टाइम रात 9:45 पर चल चुकी है। 21:45 पर रवाना होगी। बाय बाय पूरी। ये रही पुरुषोत्तम की स्टॉप नंबर 1 खुर्दा रोड जंक्शन, जहां आकर मिलती है पूरी खड़गपुर लाइन और हावड़ा चेन्नई मेल लाइन। बात करें खुर्दा स्टेशन की, तो स्टेशन कोड इज KUR, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 7 और ये खुर्दा आता है ईस्ट कोस्ट जोन के 3 डिवीजनों में से एक। ट्रेन ने डिपार्चर ले ली है खुर्दा रोड जंक्शन। स्टॉप नंबर 2 विच इज कैपिटल एंड लार्जर सिटी ऑफ उड़ीसा, भुवनेश्वर, द स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया, द टेंपल सिटी ऑफ इंडिया, आईटी हब एंड स्टार्टअप हब ऑफ ईस्ट इंडिया, और बहुत सारे नाम है इस भुवनेश्वर के। बात करें इस स्टेशन की, तो स्टेशन कोड इज BBS, नंबर प्लेटफॉर्म 6 और ये भुवनेश्वर आता है ईस्ट कोस्ट जोन के खुर्दा रोड डिवीजन में। और अब तक ये ट्रेन पूरी से खाली ही आ रही थी, लेकिन भुवनेश्वर में पूरी पैक हो गई है और भुवनेश्वर से डिपार्चर हो चुकी है ऑन टाइम। भुवनेश्वर में भी घूमने के लिए बहुत सारे जगह है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टॉप नंबर 3 फॉर्मर कैपिटल एंड सेकेंड लार्जर सिटी ऑफ उड़ीसा कटक, जो कि है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मभूमि भी, और कटक बसा हुआ है जस्ट महानदी के किनारे। बात करें इस स्टेशन की, तो स्टेशन कोड इज CTC, नंबर प्लेटफॉर्म 5 और कटक जंक्शन है, क्योंकि कटक पड़ता है खड़गपुर पूरी लाइन, कटक संबलपुर एंड कटक पारादीप लाइन पर। और अब मिलते हैं सीधा झारखंड में टाटा नगर जंक्शन में, जो कि आएगा सुबह 6:30 के आसपास। गुड नाइट। सुबह के 6 बज चुके हैं और ट्रेन पहुंच चुकी है स्टील सिटी ऑफ इंडिया, द पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, टाटा नगर, जमशेदपुर, इंडियाज फर्स्ट प्लांट बेस्ड सिटी। बात करें इस स्टेशन की, तो स्टेशन कोड इज टाटा, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 6 और ये टाटा स्टेशन आता है साउथ ईस्टर्न जोन के चक्रधरपुर डिवीजन में, वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन ऑन हावड़ा चक्रधरपुर मुंबई लाइन, और इस टाटा नगर को ओपन किया गया था 1910 में। और अब तक इस ट्रेन ने कवर कर लिया टोटल 514 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 घंटे में, क्योंकि आधे घंटे बिफोर आई है यहाँ, सुबह 6:30 टाइमिंग था, लेकिन ट्रेन यहाँ 6 बजे से पहले ही आकर लग गई टाटा नगर जंक्शन में।
सुबह के 8:30 बज चुके हैं और ये ट्रेन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पुरुलिया जंक्शन। स्टेशन कोड PRR, नंबर प्लेटफॉर्म 4 और ये पुरुलिया जंक्शन आता है साउथ ईस्टर्न जोन के आगरा डिवीजन में। पुरुलिया जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि पुरुलिया पड़ता है आसनसोल टाटा खड़गपुर लाइन, पुरुलिया रांची और पुरुलिया बोकारो लाइन पर। और इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1890 में, 130 साल पहले। और इस पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को खींचती है गोमो सेठ का वेब 7 इंजन पूरी से दिल्ली तक। झारखंड का चौथा और वन ऑफ द प्लान बेस्ड सिटीज ऑफ इंडिया बोकारो स्टील सिटी। बात करें स्टेशन की तो स्टेशन कोड इज BKSC, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 और ये रेलवे स्टेशन भी आता है साउथ ईस्टर्न जोन के आगरा डिवीजन में। कभी भी यदि मौका मिले बोकारो आने का तो ना मत कीजिएगा। तैयार नहीं रे पगली, चल चुकी है। ट्रेन पहुंच चुकी है गोमो जंक्शन और इसी के साथ ये ट्रेन इंटर कर चुकी है हावड़ा दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड लाइन में। जहां तक बात है गोमो जंक्शन की तो स्टेशन कोड GMO, नंबर प्लेटफॉर्म 6 और ये रेलवे स्टेशन आता है इस सेंट्रल जोन के धनबाद डिवीजन में। ट्रेन यहां प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी हुई है और अनाउंसमेंट हो रहा है कि आ रही है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो ये ट्रेन पूरे 20 मिनट बिफोर आई है। प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है पटना रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस। कुछ खा लीजिएगा, पैसा का दारू मत पी लीजिएगा। अबे दे रे रुक, सबसे बेसी ही देंगे। और साफ कर ना, ड्राइवर साफ कर। कोडरमा जंक्शन कोडरमा जंक्शन। स्टेशन कोड इज KQR, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 7 और इस स्टेशन का एक और नाम है वो है झुमरी तिलैया। ट्रेन डिपार्च हो चुकी है झुमरी तिलैया से। कवार और हजारीबाग टाउन जाने के लिए यहाँ गाड़ी बदले। बाय बाय झुमरी तिलैया। क्या मांग रही हूँ, 10 रुपया मांगने आया हूँ। तो
80 रुपया का भेज बिरयानी मंगाए हैं जो कि दिखने में कुछ ऐसा है, अब खाने में कैसा है खा के बताते हैं। ट्रेन पहुंच चुकी है गया, जहां भगवान श्री राम आए थे, माता सीता आई थी लक्ष्मण जी के साथ अपने पिता श्री दशरथ जी का पिंडदान करने के लिए, और तब से लेकर आज तक गया एक धार्मिक स्थल बना हुआ है पिंडदान अनुष्ठान के लिए। बाकी यहीं तक थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से मेरी ट्रेन जर्नी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा टू सपोर्ट मी। तो यही सब बात है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद एंड वंदे मातरम।